नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है सिवान और गोपालगंज सहित 3 जिलों को। बता दूं, बिहार में गैस सिलेंडर लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी लाइनें लगानी पड़ती है, तब जाकर आपको महंगी गैसें मिलती है। लेकिन अब सरकार ने शहर के जैसे बिहार के भी 5 जिलों में पाइप द्वारा गैस देने का निर्णय लिया है। इससे आम लोगों को काफ़ी सुविधा, ही लाइन में लगनी पड़ेगी नहीं, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पाइप लाइन में ही मीटर लगा दी जाएगी ताकि उस मीटर के हिसाब से सरकार पैसा वसूली करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि बिहार के और 5 शहरों को, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान को भी गैस पाइपलाइन योजना में शामिल कर लिया गया है। अगले दौर में इनकी निविदा की जाएगी। बुधवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहरी घरों में पाइप से घरेलू गैस की आपूर्ति योजना के तहत मई 2021 तक पटना के 31,624 घरों में पाइप कनेक्शन दिया जा चुका है। PNG, RB पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने 7 मार्च 2018 को गेल को 5 वर्षों के भीतर पटना में 50,154 परिवारों को 3,95,00,000 के लागत से PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्राधिकृत किया है। बता दूं, सरकार के इस निर्णय को सांसद आलोक कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किए हैं। अब इंतजार ये होगा कि सरकार तो घोषणा कर दी है, आखिर 1 जिलों में कब तक पाइपलाइनें बिछती है।